भारत ने 11 दिसंबर को अपना सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये पिछले 15 दिनों में लॉन्च किया गया दूसरा सर्विलांस सैटेलाइट है। अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए ये हमारे दुश्मनों की जासूसी भी कर सकता है। आप इस स्पेस में हमारा सबसे शानदार और स्टीक जासूस भी कह सकते हैं। PSLV C-48 रॉकेट ने देश में बने RISAT-2BR-1 सैटेलाइट के साथ 4 देशों के 9 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। वहीं आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से बुधवार को दोपहर 3:25 पर यह सैटेलाइट लॉन्च किए गए और सिर्फ 21 मिनट में सभी 10 उपग्रह अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में पहुंच गए। ये प्रक्षेपण इसरो के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह PSLV रॉकेट की 50वीं उड़ान है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि देश को दुश्मनों के बारे में जानने के लिए एक और महत्वपूर्ण तकनीक मिल गई है। RISAT-2BR एक राडार इमेजिनिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसका मतलब यह है कि इस उपग्रह में राडार की मदद से पृथ्वी की तस्वीरें लेने की क्षमता है। 628 किलोग्राम वजन वाले इस स्वदेशी सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में 576 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। अगले 5 वर्षों तक ये काम करता रहेगा। इस उपग्रह में एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर राडार सिस्टम मौजूद है जो रात बादल वाले मौसम और आंधी तूफान जैसे हालत में भी पृथ्वी की सटीक तस्वीरें ले सकता है। अंधेरे में भी दिन की तरह काम करना इसकी एक बड़ी क्षमता है क्योंकि अक्सर पाकिस्तान रात के अंधेरे और मौसम का फायदा उठाकर हमारी सीमा में घुसपैठ करता है। इस सैटेलाइट में तस्वीरें लेने का काम कैमरा नहीं बल्कि राडार करता है। तस्वीर लेने के लिए राडार से निकली रेडियो वेव्स पृथ्वी पर मौजूद वस्तुओं से टकराकर वापस जाती है और उन रेडियो वेव्स की मदद से साफ सुथरी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें बनती हैं। इस राडार से दुश्मन के इलाकों में यदि कोई बंकर या हथियार मौजूद होगा तो उसकी पूरी खबर मिलेगी और इससे बचना लगभग नामुमकिन होगा। यानी तस्वीर लेने का काम राडार करेगा। ये राडार पृथ्वी पर मौजूद 1 फीट के आकार पर किसी भी वस्तु की 3D तस्वीर ले सकता है। यानी अगर जमीन पर एक पानी की बोतल भी रखी होगी तो 576 किलोमीटर की ऊंचाई से उसका पता चल जाएगा। इसकी 3D तस्वीरें कुछ वैसी ही होंगी जैसा आपका अपना मोबाइल फोन गूगल मैप्स में देखता है। खास बात यह है कि ये उपग्रह भारतीय उपमहाद्वीप पर नजर रखेगा, यानी चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर इसकी नजर रहेगी। इसके साथ ये समंदर पर भी नजर रख पाएगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये सैटेलाइट 1 फीट की वस्तुओं की तस्वीर ले सकता है तो समुद्र में चल रहे हजारों फीट बड़े जहाजों की तस्वीर लेना इसके लिए कितना आसान काम होगा। ये उपग्रह सिर्फ 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा, यानी एक दिन में कई बार पृथ्वी पर मौजूद किसी लक्ष्य की तस्वीरें जा सकेंगी। इस सैटेलाइट और इसके विशेष रडार का निर्माण वैज्ञानिकों ने देश में ही किया है। इस खबर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हमें अंतरिक्ष वैज्ञानिकों से बात की है जो आपको इस सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत आसान भाषा में समझाएंगे। इस मिशन में देश की सुरक्षा के साथ विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करके देश के लिए कमाई भी की गई है। RISAT-2BR-1 के साथ अमेरिका के 6 उपग्रह, इजराइल, इटली और जापान का एक सैटेलाइट भी भेजा गया है। लॉन्च किए गए इजराइल के उपग्रह को छात्रों ने बनाया है। इजराइल के इस एजुकेशनल सैटेलाइट का वजन सिर्फ 2 किलोग्राम है। ये उपग्रह वायु और जल प्रदूषण पर रिसर्च करेगा और इसका कैमरा धरती की तस्वीरें लेगा। भारत और इजराइल की दोस्ती जमीन से अंतरिक्ष तक कायम है। रिसर्च सीरीज के सर्विलांस सैटेलाइट्स का निर्माण अप्रैल 2009 में इजराइल की मदद से किया गया था। वर्ष 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद दुश्मनों पर नजर रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया था। इस सीरीज का 4th सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इस वक्त अंतरिक्ष में ऐसे 2 सैटेलाइट हैं, लेकिन अगले वर्ष इस सीरीज के 2 और सैटेलाइट भेज दिए जाएंगे। ये उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहेंगे। अंतरिक्ष में रिसर्च सीरीज की 4 सैटेलाइट होने का मतलब ये है कि हम अपने दुश्मनों पर हमेशा नजर रख पाएंगे। अगर सीमा पर किसी जगह घुसपैठ हो भी रही होगी तो ये चारों मिलकर उस लोकेशन की लगातार कवरेज करेंगे और देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सर्विलांस सैटेलाइट नए जमाने के जासूस हैं जिन्हें किसी दुश्मन देश की सीमा में जाकर जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। जासूसी सैटेलाइट से जुड़ी हर जानकारी को छिपा कर रखा जाता है। इनके बारे में शायद आपको भी ज्यादा जानकारी नहीं होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।